ग्यारह साल किधर चली जाती हो भाई? तुम्हारी वो बाकी साथी कहाँ है भाई? एक महीना हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं है, और आज भाई सब ग्यारह साल जाहिर हो रही है, लेकिन आज भी वो एक ही है भाई, और दो वो नहीं आई। वो कहाँ पे चली गई है भाई? कहाँ होते हो तुम लोग? इधर तो आ जाओ ना। वो देखो वो छुप रहे हैं, और माशाल्लाह नहीं 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 भाई साहब, ये देखो भाई फिरोजपुरी कबूतर के बच्चे बड़े हो गए, बाहर भी आ चुके हैं। ओ यार ये कितनी तेज है यार, वो भाग जाते हैं। पकड़ लिया भाई साहब, ये चेक करें भाई, फिरोजपुरी कबूतर के बच्चे माशाल्लाह काफी बड़े हो चुके हैं और ये बाहर भी आ रहे हैं, और एक बच्चा उधर बैठा हुआ। चले जाओ उसके पास भाई, बहुत क्यूट है। आ जा नैलो मेरे पास आ जा। ये देखो भाई साहब, आज जैसे मैं नैलो को लाया हूँ और जैको को मैं घर पे ही छोड़ के आया हूँ। और दोस्तों यार मैं आपको बताता हूँ भाई, नैलो हमारी यार ट्रेंड नहीं हो रही यार, मुझे कहते हैं कि ये ना बड़ी हो चुकी है, तो अब इसका ट्रेंड होना जो मुश्किल है, लेकिन ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल है, ट्रेंड होगी लेकिन ऐसा होगी, क्योंकि भाई हमने पहले इसको इतनी टाइम नहीं दिया फ्लाइंग में। वैसे तो हमने इसको बहुत ज्यादा टाइम दिया, लेकिन फ्लाइंग में इसको टाइम नहीं दिया, इस वजह से भाई ये अभी ट्रेंड नहीं हो रही। मुझे कुछ भाई कहते हैं कि आप इसके पाँव में धागा बांध दो, इतना बड़ा धागा हो कि ये मतलब आपके करीब करीब फ्लाइंग कर सके, अगर ये कहीं उड़ना चाहे ना तो आप इसको खींच सकते हो वहां से, ऐसे ही आपसे निकल जाएगी और उड़ जाएगी, क्योंकि भाई अब इसके पर काफी निकल के आ चुके हैं और अब ये फ्लाइंग करना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन अभी भी प्रॉपर फ्लाइंग नहीं करती भाई। मतलब यहाँ से उड़ती है तो बैठक तक चली जाती है, मतलब अभी भी ये फुल प्रॉपर जो फ्लाइंग नहीं कर सकती। जिस दिन भी प्रॉपर फ्लाइंग इसने स्टार्ट कर दी, कभी रात नहीं आएगी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ भाई, आओ ना जैको की दोस्त के साथ बैठ जाओ, क्या पता भाई तुम्हारे साथ भी दोस्ती कर ले। दोनों तुम फीमेल हो, मुझे नहीं लगता भाई तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। ऊपर चले जाओ यार प्लीज, तेरी खैर, बुरा करते हैं यार ये, बहुत तेज पाँव है यार नैलो के, तो बाकी पे बहुत ज्यादा पाँव तेज है यार। परसों वाला दिन दोस्तों मैंने आपको फिंचेस का अपना केज दिखाया था, और मैं कैमरा जब इनकी पौड़ियों के ऊपर लेके गया था, और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई अब आपकी फिंचेस ने जो है वो अंडे देना स्टार्ट कर दिए, तो भाई साहब मेरा दिल खुश हो गया भाई आपके कमेंट पढ़ के। भाई बस दुआ करें यार, बहुत जल्द ये बच्चे दे रहे, तो फिर भाई मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी दोबारा भी देख लेता हूँ, क्या पता भाई इन्होंने और नए अंडे दे दिए हो। तो ये चेक करें आप, इधर भी देख लें भाई, यहाँ पे भी देख ले भाई साहब। मैं कहता भाई इस बार इन्होंने ब्रूड सारे जो है एग्ज दिए हुए हो, ये देखिए। अब आप लोगों ने कमेंट करना है भाई साहब कि इन्होंने जो है वो मजीद जो है अंडे दे दिए हो। आ जा भाई, ये बरूद सारे एग्स क्या होते हैं वैसे भाई? भाई काफी ज्यादा। अच्छा काफी ज्यादा, हाँ। मैंने कहा बरूद दे रहे हैं ये। नहीं 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 नहीं, क्या सारा ख्याल है भाई, अंडे दे रहे हैं ये, दे रहे हैं। हाँ मैंने वो कैमरा लेके गया था भाई, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे आपकी फिंचेस ने ना बहुत सारे अंडे देना स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। क्या बात है, और 25 हो गए मैंने बच्चे दिए हुए और बजीज ने अंडे दिए हुए। यार सोभान भाई, वो आप कबूतर दिए थे, आप ना उसको खिलाते हो ना पिलाते हो ना उनको बाहर ले जाते हो, क्या चाहते क्या हो? कहाँ खिलाते हैं भाई? यार मैं अंतर भाई आपको उस दिन भी कह रहा था कि भाई ये नहीं काम करेंगे, नहीं खुराक खिलाएंगे भाई, वो हैंडे में होंगे भी नहीं, वो दारू पे बैठे हैं भाई, खुराक खिलाते हैं खिलाते हैं, अब आज भाई शाम पानी रख के बस चले जाते हैं। वो कहता है आप पानी रख के चले जाते हो, हाँ। फीड हम देते हैं, खिलाते पिलाते भी हम, सारा कुछ हम करते हैं, बिठाते हैं उसको, टाइम देते हो, आप उसको बाहर लेके जाते हो उसको। झूठ बोल रहा है, इसका फेस इंप्रेशन बता रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे ख्याल में नहीं देने चाहिए इनको, भाई प्रोग्राम कैंसिल। हम दोस्तों हम जो है ना इनको कबूतर नहीं देने वाले, ये प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, ये ना इनको खिलाते हैं ना पिलाते हैं, कुछ भी नहीं करते। आज देखा है क्या क्या सूरत हाल है, देखा है आपने? अल्ट्रासाउंड किया था भाई, मैंने आपको बताया था भाई, एग्जैक्ट डेट बताई थी मैंने आपको एक हफ्ते की, और देख लो भाई आप मेरे ऊपर हंस रहे थे कि भाई आपने झूठ बोला है, आपका एक्सरे फेक था। नहीं नहीं ये उसका नहीं है, ये देखो भाई ये आप खुद देख लो किसका बच्चा है, वरना इधर कोई रैबिट है नहीं। हुई तेरी खैर, कितने बच्चे हैं अभी? तो एक बाहर आया भाई, मैं उधर फिर रहा था, ये मैंने इसको पकड़ा है जल्दी जल्दी जाके, ये अंदर जा रहा था बस, मैंने जल्दी से पकड़ लिया भाई। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, और बच्चे हो सकते हैं इसके अंदर, पॉसिबल है। हाँ आज मैं कहता हूँ लाइट मारते हैं और उसको भी उनको बाहर निकालते हैं भाई। चलो ठीक है यार, ये देखो भाई कितनी क्यूट है, अभी ये बच्चा है और इसके बाल देखो, मतलब इसके माँ बाप यार इसके बाल भी बड़े होने वाले हैं बहुत जल्द। बिल्कुल ये बिल्कुल ब्राउन कलर का है, सेम वही है, सेम वही शक्ल है, बिल्कुल बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, और बहुत देखो वो भाग रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम? बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। अवैस भाई इसको कहीं रखो हाँ। अंदर जाना देखते हैं, मैं कहता हूं मिट्टी के अंदर रख दो, लेकिन बोल है भाई नहीं निकलता। सुभान आजा, हां ये इसके अंदर डाल देते हैं। चले जाओ। हां जी ये चला गया भाई साहब, रैबिट तो बैठे हैं भाई, और बच्चे कल पता नहीं भाई, उसके नीचे बच्चे हो तो पता नहीं है,
लेकिन सामने तो नजर नहीं आ रहे बच्चे। अच्छा हाँ, सामने से नजर नहीं आ रहे। ये होंगे भाई और बच्चे होंगे। एक बच्चा नहीं हो सकता वैसे भाई, एक बच्चा नहीं हो सकता, एक बच्चा नहीं हो सकता। कम अज कम दो लाजमी होंगे। हाँ। ये तो बच्चा था निकल के आ गया है। हाँ। शायद वो दिन को आ सकते हैं भाई, अभी बाहर नहीं आ सकते और इसको, होल भी बड़ा है। तो फिर इसको छोड़ दो वापस। वापस छोड़ दे। हाँ, इसको वापस छोड़ दो। चलो वापस छोड़ते हैं भाई इसको। अंसर भाई अब यार इसका पता कैसे चलेगा कि भाई इसने दूध वगैरह पिया हुआ है कि नहीं? या तो उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दें भाई, रैबिट्स को इसको दूध भी पिलाते हैं। नहीं, ज्यादा तंग नहीं करते। हाँ, ज्यादा तंग नहीं करते, इसको जाना छोड़ देते हैं वहीं पे। अच्छा हाँ, ये दिमाग है ना। हाँ। खुद इसको दूध पिलाएगी। वैसे कमाल है यार। हाँ। क्यूट है। मेल फीमेल का पता चल जाएगा भाई। अभी तो बच्चा है यार, अभी तो हमें और भी रैबिट ढूंढने भाई साहब। ये देखो, हाँ माशाल्लाह, हाइट चेक करो माशाल्लाह। मुझे बाल इसके प्यारे लगते हैं भाई। बाल बड़े प्यारे हैं, लेकिन जो दूसरे खरगोश होते हैं ना। हाँ। वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट जो है ना इतनी बड़ी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तो बच्चा है यार ये। खूबसूरत क्या स्पीड के साथ ये भाग रहा था भाई, लेकिन वो उधर जा रहा था जहाँ पे रैबिट ने पहले जो है पुराना घर बनाया होता अपना। उधर तो आपको पता है रैबिट नहीं जाते, लेकिन ये भूल के ना बेचारा उधर जा रहा था। अगर अंदर चला जाता ना तो आपको पता है आगे उसके पिजन बैठे हुए हैं, इसको वापस नहीं आने देते वो। अब क्या, अभी जो ना खरगोश उस साइड पे है, उस साइड पे तो छोड़ देते हैं। हां चले ले आए इसको, ले 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 ले, इधर रख दे, इसके सामने रख दे, खुद चला जाएगा। अंदर नहीं डालो यार, इधर बाहर रख दो। हां वो देखिए भाई, चले जाओ। वो जा रहे भाई, वो चला गया। क्या हुआ, छोटे बच्चे हैं ना, साइड पे पड़े हुए। ठीक है। हां ठीक है भाई, वो तो मैंने जब भी देखा भाई सोए रहते हैं वो। वो देखो एक साइड पे वो बैठे हैं माशाल्लाह। ये देखिए। अच्छा अवैस भाई। हाँ। ये दुआ करो कि रैबिट्स के बच्चे जो ना ज्यादा हो, ठीक है ना, लेकिन इनको उनके साथ तो नहीं छोड़ सकते। नहीं भाई, इनका अलग अलग सेटअप बनाएंगे। अभी तो आपको पता है हमारा मशवरा हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि मिनी जू बनाएं या रैबिट हाउस बनाएं। हाँ। जैसे ही वो फिर होगा ना, तो उस तरतीब से फिर इनको हम इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से शिफ्ट करेंगे और इनकी जो है ना बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ी फैमिली और ये बहुत सारे होंगे यार। नायाब चीज है ना, ये नायाब चीज है, ये हमारे इलाके में नहीं होती, यहाँ पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास है। और इसने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया, आपको पता है, फिर तो मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं था, हमारे जो है ना मौसम के अंदर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जमीन है ना, असल में मट्टी है ना, हमने कच्चा सिस्टम बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है, तो अंदर चले गए तो अंदर तो बिल्कुल फिट है। शुक्र है हमने कूलर लगा दिया भाई, वरना उनके बाल झड़ रहे थे, आपने देखे थे। ये 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे रात दिन, और ये सारे का सारा माशाल्लाह हमारे बर्ड जो है ना फिट है। राजा रानी वो भी हमारे बाहर है। तो अभी जैसे रैबिट का बच्चा मैं दोबारा देख लेता हूँ। ये है बैठे, कौन सा रैबिट है? ये तो बड़ा रैबिट है। क्या हुआ भाई, गुस्सा कर रहा है यार ये बड़ा रैबिट भाई। हाँ स्पीड के साथ आए मुझे लड़ने के लिए। बच्चा अंदर चला गया भाई, बच्चा अंदर चला गया और मेरे साथ ये गुस्सा कर रहा है। रैबिट आ जाओ बाहर, आ जा अब फाइट करो मेरे साथ भाई। इसको नहीं छेड़ते। हाँ। कल या परसों तक फिर दोबारा जो है ना ये बच्चे बाहर ले आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, फिर मजा आएगा। देखते हैं कितने बच्चे होते हैं इसके, और हाँ। दुआ करें दोस्तों इसके बहुत सारे बच्चे हों तो कमाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही भाई। और हमारे वाइट रैबिट भाई शरीफ थे, ये मुझे लड़ाकू लग रहा है, पहले नहीं लड़ता था, पहले शरीफ होते थे, अब ये बच्चा दे दिया ना तो भाई भाग के आए मेरे पास लड़ने के लिए। हाँ जी, अब दोनों एक ही जगह पे बैठ गई हो क्या? और अंडा दिया कि नहीं दिया अभी तक आपने? मैं देख लेता हूँ भाई, इसने नहीं, 5 अंडे दिए हुए हैं और एक अंडा भाई सब काल दिया, मैंने तोड़ दिया था भाई गुस्से में, क्योंकि मुझे इन पे बहुत गुस्सा आया हुआ है भाई। 1 साल हो गया और ये बच्चे नहीं दे रहे थे भाई, तो मुझे भाई गुस्सा आया, मैंने इसका एक अंडा जो तोड़ दिया। बाकी अंसर भाई कि वो अंडा फर्टाइल था, बस जो भी था भाई, बस मैंने तो तोड़ दिया भाई। अब इनके अंडे रखे हुए हैं, अब देखते हैं भाई इसी से बच्चे बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। भाई साहब अंसर भाई का कहना है कि भाई इस बार इसमें से बच्चे लाजमी निकलेंगे, और मैं भी यही चाहता हूं कि भाई इस बार बच्चे इनके लाजमी निकलें। गर्मी से भाई बुरा हाल होता है भाई, जैसे भी लॉग स्टार्ट करते हैं ना हम, पसीना ऐसे आता है हमें, ऐसे आता है कि आप खुद देखते हैं भाई, हम पसीने से बिल्कुल शराब हो रहा है। ऐसे लगता है कि भाई एक हफ्ते से हम नहीं नहाए, इस तरह हमारे कपड़ों की जो कंडीशन हो जाती है, वो भी 2 मिनट के अंदर ही। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल अपने जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बटेर मुर्गियों वाली जगह पे बैठ रहे, कहीं ये अंडे तो नहीं दे रहे? यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ हमारे पिजन बैठ के अंडे देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बटेर यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है यार हो सकता है ये भी खुशखबरी देने वाले हो।